विधायक ने उससे जमकर फटकार लगाई। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आप देखेंगे कि एकदम से माननीय विधायक जी भड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी इंसान एकदम किसी के ऊपर नहीं भड़कता, कोई ना कोई उसकी भूमिका जरूर होती है, आगे पीछे का कुछ ना कुछ एपिसोड होता है। जो मैंने पड़ताल करी तो पता चला कि वो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे रानीखेत डिग्री कॉलेज में, और इसी छात्र ने गेट बंद कर दिया, उनकी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया और लगातार 2 घंटे से उनके खिलाफ ये नारेबाजी कर रहा था। जो मेरी मर्जी मैं जब करूं उसको, यू आर नॉट नोबडी टू डिसाइड इट, ओके? तुम डिसाइड नहीं कर सकते, समझ रहा तुम बात कुछ? राजनीति दिखाना किसी और का मुझे नहीं, मत दिखाना, समझ गया? बदतमीजी मत कर यहाँ पर, हाथ तो दिख रहा है तेरी हरकत, दिख रहा है तेरी हरकत, जो मेरी मर्जी मैं जब करूं उसको। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाता मनोज चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, वीडियो में साफ हम देख रहे हैं कि विधायक साहब छात्र को जमकर धमकाते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से भी तर्क सामने आ गया है। क्या पूरा मामला है विस्तार से और समझना चाहेंगे और फिर आगे आपसे सवाल करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रानीखेत विधायक करण मेहरा का वीडियो वायरल हुआ है, जो कि रानीखेत डिग्री कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। वहां पर छात्रों, एक छात्र इनसे सवाल करता है कि सर ये रोड कब बनेगी, और विधायक की इसने मैं तिलमिला के उस छात्र को कहते हैं कि मैं विधायक हूँ। आप वीडियो में पूरी तरीके से सुन सकते हैं किस तरीके से छात्र को डांट रहे हैं। हमने कांग्रेस का पक्ष जानने की इसमें कांग्रेस का पक्ष जाना, तो उनका कहना है कि वीडियो को आधे से काट के दिखाया गया है, जबकि विधायक जी को 1 घंटे तक गेट के बाहर रखा गया, गेट छात्रों ने बंद कर दिया था, उसके बाद विधायक जी अंदर गए। तो इस वीडियो में काफी लंबी वार्ता थी, पर लेकिन उनका आरोप है कि छात्रों ने इसको काट के दिखाया है। जी जी, कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि पहले जो है बदतमीजी की हरकत छात्र द्वारा की गई थी, तब कहीं जाकर विधायक साहब को गुस्सा आया था, लेकिन ये तो पक्ष रहा कांग्रेस की तरफ से, लेकिन छात्र की तरफ से क्या बात सामने आ रही है? पूछताछ तो उससे भी की गई होगी। जी, छात्रों का ये कहना था कि छात्रों का ये कहना जो जोर थी, जो सड़क निर्माण को लेकर छात्र उनसे कहते हैं कि ये सड़क का निर्माण विधायक जी आप कब करेंगे, तो विधायक जी जवाब देने के बजाय छात्र पर ही अपना गुस्सा उतारते हैं। तो हमने जब कांग्रेस का पक्ष जाना तो कांग्रेस का साफ कहना था कि छात्रों ने काफी आक्रोश से गेट बंद कर दिया था, उसके बाद विधायक जी को गुस्सा आया और ये वीडियो आधे से काट कर दिखाया गया है। जी, लेकिन कारण क्या था? इस बीच ये बताया गया है कि छात्र ने गेट बंद कर दिया था जब विधायक साहब आ रहे थे, तो कारण क्या रहा जो छात्र ने अचानक से गेट बंद कर दिया और उन्हें अंदर नहीं आने दिया, या कुछ तो वजह रही होगी जो अचानक से उस छात्र ने बदतमीजी की विधायक साहब से? कारण ये रोड से जुड़ा मसला है, ये सड़क निर्माण को लेकर है, जो कि विधायक जी ने पहले भी उन छात्रों को कहा था कि हम इस सड़क का निर्माण कर देंगे, पर लेकिन सड़क का निर्माण ना होने से गुस्साए छात्रों ने ये विधायक जी का घेराव किया। विधायक जी, क्योंकि मनोज आपने पूरी पड़ताल की है, लेकिन सड़क निर्माण के बनाए जाने को लेकर भले ही मांग की गई हो, लेकिन क्या तरीका सही था? आप तो पूरी पड़ताल कर रहे हैं इस खबर पर, तरीका सही था छात्रों का? जी, छात्रों का जो तरीका था, छात्र ने उनसे सिर्फ सवाल पूछा है, छात्र आप देख सकते हैं छात्र बदतमीजी भी नहीं कर रहे हैं विधायक जी से, वो सिर्फ सवाल विधायक जी से पूछते हैं कि विधायक जी ये सड़क कब बनेगी। विधायक जी उनको जवाब देने के बजाय छात्रों पर ही उल्टा गुस्सा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जायज नहीं है। जी, यानी कुल मिला के देखा जाए ना ही उन छात्रों का वो तरीका ठीक था अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और ना ही जो तरीका था छात्रों को समझाने का विधायक साहब का, वो कहीं ठीक था। तो देखा जाए गलती दोनों ही तरफ से सामने आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। समझ गया? सुबह पढ़ाई करो।